मेरा टीएससी की मेरा तीन बना है मेरा टीएससी की मेरा बी लाइन पास कर सबसे मेन सवाल मेरे बी लाइन पास है उस सिस्टम में के लिए आपको ट्रांसपेरेंट करनी है वो हमारे माइनस का मैंने बताया बहुत बड़ा है ऐसा ऐसा आपको लाभ होता है कि सब प्रदान कर अभी सबसे पहले आपने इसको आईपी एड्रेस ही दे दी है अब आप लोग अपने लैपटॉप पर एंड यूजर सपोर्ट करवाओगे सबसे पहले आपने अपने ब्रिज बनाना यानी तीन कोर्स को एक ब्रिज पे करना है तो सबसे पहले आप ब्रिज पे जाएंगे इसके अंदर ब्रिज है ब्रिज में जाके आप लोग एक न्यू बनाए ब्रिज बन या फिर भी ग्रुप नाम दे ये ब्रिज से एक ग्रुप नेम बनेगा इसके कोड जो है कोड के अंदर जाके ऐड होगा यहाँ पे आप लोग ब्रिज ब्रिज का नेम डिफाइन करेंगे और फिर ग्रुप को नहीं आप बनाए दो कोड तीनों बना दे वायरस को इसमें ना डालिएगा जो लोग करते हैं अपने हैंड्स अप करके बता दें एक बार जो मास्टर अगर आपका राउटर है तो आप यूज करेंगे तो आपको कोई तो मास्टर स्लेव उसका पेंडल रहता है जब आपका उसी स्विच का कोड यानी स्विच के आप लूप के अंदर आते हैं अगर डिफरेंट स्विच ही लगता है ये आएगा अभी आगे मैं आपको मतलब क्लियर करता हूँ लेकिन आप ये नहीं कर रहे ये जो स्विच है ना स्विच जैसे एक ही चिप है फॉर एग्जाम्पल एक ही चिप है अगर किसी राउटर के अंदर तो आप सारे उनको उसी का कोड बनाएंगे तो फायदा है फॉर एग्जाम्पल एक रूट दूसरे जैसे बता रहे एक राउटर है आरपी 2011 की नजर में उसमें दो स्विचेस की चिप है सही है तो अगर आप एक ग्रुप को दूसरे स्विच का पोर्ट बनाएंगे वो तो करने ही देगा लेकिन अगर आप उसको बनाना आपके लिए जरूरी तो आप ब्रिज बनाएंगे ब्रिज करके उसको उसका पोर्ट बताएंगे तो फिर आपको परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं है सीपीयू यूटिलाइजेशन लेकिन अगर सीपीयू यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा होती है तब परफॉर्मेंस डिग्रेड शुरू होती है अच्छा कल ये कर लिया आप लोगों ने
अच्छा अब आप लोग बीएससी की सर्वर कर रहे सबसे पहले आपको डीएससी की लग करने के लिए आपको अपने फ्रिज पे आईपी एड्रेस सेट करना पड़ता है। अब उस इंटरफेस को नहीं करना है आपने, ये ध्यान में रखना है कि आपने आईपी एड्रेस इधर वन या इधर टू पे ही देना है। अब आपने आईपी एड्रेस देना फ्रिज के ऊपर जो आपने ग्रुप नेम बताया। Okay.
बहुत आगे Thank you.
नेटवर्क अपना चेंज कर दो, अपना चेंज कर के बाद में रिकमेंडेड होता है कि आप सोसाइटी डिसाइड करें, आप लोग एक आउटर के अंदर से बताए और एक आपको इंटरनेट पे पब्लिक आई पी चाहिए, आपको लोकल आई पी, आपको आपकी आई पी क्या, आपने क्या अपना लोकल नेटवर्क जो भी आपका अपना लोकल नेटवर्क है, इंटरनेट में कोई नहीं जानता क्या है, आपको इंटरनेट पे रीच करने के लिए अपना अपने आप को बताना पड़ेगा क्या है, पार्ट करना पड़ेगा। वो फॉर एग्जाम्पल मेरे राउटर में भी पब्लिक नेटवर्क नहीं है, जब आप ये रिक्वेस्ट भेजते हैं इंटरनेट पे जाती है तो वो क्या करता है कि वो सोर्स जो आपकी होती है जो फील करता है वो मेरा आई पी लगा और फिर जाके इंटरनेट पे रीच करता है, और जब वापस वहां से रिसीव करता है तो उसके पहले इंटरनेट की आई पी होती है जहाँ से मैं सोर्स चेंज करता हूँ उसकी मास्किंग करता हूँ, आपका मैं लोकल नेटवर्क और चेंज करता हूँ। तो ये एक्चुअली कम्युनिकेशन होती है आपको इंटरनेट पे रीच करने में क्या चाहिए होता है, पब्लिक आई पी। वो पब्लिक आई पी को इसको ही कहते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसमिशन, एक्चुअली नेटवर्क की एड्रेस की बात, आप लोकल आई पी पब्लिक में होती है, पब्लिक में लोकल में होती है, ये कॉन्सेप्ट है। इसलिए सोर्स नेटिव कहते हैं, लेकिन इसके लिए रूल अप्लाई करते हैं वो एसआरसी नेटवर्क। राउटर के लिए जब राउटर होता है राउटर के पीछे की जितनी भी ट्रैफिक है ये सोर्स के अलावा और डेस्टिनेशन क्या है इंटरनेट का, ये हो गया उनका, हो गया इसका उसका डीएनएस सर्वर आपका सबसे पहले होता है, सबसे पहले
अपनी रेडियो की पावर कम सही जी सबके पेट हो गए।
अच्छा माइक्रोटिक को अपग्रेड करने के लिए दो से तीन में है। सबसे पहले आप माइक्रोटिक की वेबसाइट पे जाते हैं, वहां पे डाउनलोड के सेक्शन में आप इसका राउटर ओएस का अपग्रेड वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके राउटर पे इंटरनेट चल रहा है तो आप सिस्टम में पैकेजेस में जाके सिस्टम के अंदर पैकेज होता है जो सबसे आसान में है, सिस्टम पैकेजेस चेक फॉर अपडेट्स। जैसे मैं इसको कर देता हूँ, चेक फॉर अपडेट पे क्लिक किया, डिपार्टमेंट आउट कर दिया। इसके बाद आपने चेक किया 6.3 इंस्टॉल, 6.4 और 6.5 आ गई। मैं इसको डाउनलोड इंस्टॉल करूंगा और ये डाउनलोड करेगा पहले के पास कंप्लीट और ये इंस्टॉल करेगा और देन के बाद कभी कभार इसका क्लाउड से इशू होता है, सर्वर से तो नहीं। तो इसका दूसरा हाल है, आप इसकी वेबसाइट से करो। सॉफ्टवेयर के अंदर जो जाएंगे आप, सॉफ्टवेयर के अंदर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपका राउटर कोड है, उसकी सीरीज क्या है और उसका आर्किटेक्ट क्या है। तो अब जैसे मेरे पास सिस्टम पे जाके राउटर को यहाँ पर मुझे पता चल जाता है 9512 और इसका आर्किटेक्चर मिस बी। ये आर्किटेक्चर होता है किस टाइप का, ये हार्डवेयर इसके अंदर जैसे 4i3 जनरेशन 2 जनरेशन 3 के लिए तो उनके आर्किटेक्चर भी डिफरेंट है। तो ये देखते हुए आपने